वालेकुम बिलाल साहब। बिलाल साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सर जी ये वाली मकई है 8148 सीड है ये, और ये तकरीबन 25 अगस्त की काश्त है, और अब तक ये समझ लेंगे पूरे 100 दिन की हो गई है मकई। और लेकिन अभी भी ना, क्योंकि मौसम ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अभी भी ये ना मतलब कि अंदर से डोडा सा पानी थोड़ा सा निकल रहा है। सर सर क्या इसको अभी पानी लगाना चाहिए या नहीं, बस ऐसे ही सूखने दें, या सर जरा रहनुमाई तो समय है। सर वो मैं ना आपको दूसरी वीडियो पहचान करता हूँ जो छली का दाना निकल रहा है। नहीं नहीं पानी लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी आपने हार्वेस्टिंग नहीं करनी अभी। हाँ पानी बेश पानी ना लगाए आप। हार्वेस्टिंग कब तक करें, क्योंकि इसकी जगह पर नेक्स्ट मकई ही लगानी है, और जो इसके टांडे हैं ना वो आप देख लें, मैंने इनका साइलेज बनवाना है, क्योंकि मेरे पास अपना फार्म भी है, मैंने इनका साइलेज बनवाना, मकई चढ़वा लेनी है और अकेला टांडे का कड़ब साइडे बनवाना है। तो अब पानी लगाना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि चलो जो उसकी वो है टांडा जो है वो सब्ज रहे, तो क्या उसे पानी लगाने से नुकसान होगा फायदा होगा, जरा ये रहना है। जी जी ये पानी लगाने से नुकसान वाली बात नहीं है। पानी लगाने से आपके टांडे ने हरा नहीं होना, वो जो नीचे वाले पत्ते सूख गए हैं वो टांडे के खास टाइम होता है फसल का, वो मेच्योर हो चुकी है। अब वैसे तो आप इसकी जो एज होती है वो 105 दिन की हो जाए तो समझ लें कि ये आपकी तैयार है, लेकिन जिस सीज़न में ये लगाई गई है उस दौरान जो डिग्री डेज होते हैं वो कम मिले हैं, कि उसके बाद मौसम टेम्परेचर जो है वो डाउन होता गया है। तो इसीलिए अभी आप कोशिश करें कि इसे कम अज़ कम 1 हफ्ता रहने दें, और साफ ज़ाहिर अगर आप साइलेज के लिए तोड़ना चाहते हैं तो 105 दिन तो पूरे होने दें। उसके बाद यही है कि फिर उसमें किसी हद तक आपका ये लॉस भी हो सकता है पैदावार का मामूली सा, क्योंकि साइलेज तो आपकी बन जाएगी, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि जो 8148 है ये तो वैसे साइलेज बनाने के लिए सूट ही नहीं करता, ठीक है ना। इसका टांडा ये बड़ा जल्दी आप देख रहे होंगे खुश्क हो रहा है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है।